हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, विल आर यू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली? यस मी। बार बार? हाँ? Yes. हमें हमारे हाथों को बार बार धोते रहना है। यस, ओके, वेरी गुड। हाँ चलो, सबसे पहले हम लोग लेसन की शुरुआत करने से पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। उधर क्या बोल लो? ठीक है, हाथ जोड़ेंगे सभी। ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो, नाउ आई विल टीच यू एंड वी विल लर्न टुगेदर अबाउट कंप्यूटर। यू नो ऑल कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या, सबने आपने कंप्यूटर देखा है? कंप्यूटर जानते हो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बट आज हम लोग और कंप्यूटर जितना आप जानते हो उससे थोड़ा और जानेंगे। ठीक है? यस, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। ओके, yes, today my topic is letters on tab and computer keyboard. Okay, see what is this? Computer. Yes, computer है ना। ये देखिए ये क्या है? आप इसे कंप्यूटर बोलते हैं। वेरी गुड। ये क्या है? कंप्यूटर। यस, ये कंप्यूटर की कीबोर्ड है। कीबोर्ड। यस, हम कंप्यूटर में अगर कुछ टाइप करना होता है तो हमें इस कीबोर्ड के पास आना होता है। इसके बाद ये सीपीयू है और ये माउस है। यस, माउस। यस, इट इज कंप्यूटर, it is keyboard, it is CPU and it is mouse. Okay? Computer, remote, what is it? Keyboard, mouse, CPU. Computer. Now, what is computer? Computer is an electronic machine that can store, find and arrange information, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जमा करती है और बहुत सारे अमाउंट को कैलकुलेट करती है एक साथ। कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? मशीन। यस, कंप्यूटर एक मशीन है। जैसे बाकी की मशीन्स होती है ना, हमारे घर में कौन कौन सी मशीन्स होती है? बोलो। वॉशिंग मशीन। और कौन सी मशीन है? वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं? कपड़े वॉश करते हैं ना। वेरी गुड। हाँ, और दूसरी कौन सी मशीन होती है? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होती है। यस मिस। यस, उसके अंदर हम लोग जो भी चीज रखते हैं वो ठंडी हो जाती है। बराबर है? ऐसी बहुत सारी मशीन है, वैसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है। माइक्रोवेव। वेरी गुड। माइक्रोवेव में क्या होता है? चीजें गर्म होती है ना, खाने की चीजें जो हम रखते हैं वो गर्म हो जाती है। बराबर है? वेरी गुड। नाउ अदर। यस, इट्स अ मॉनिटर। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है
ये स्क्रीन को हम कहते हैं मॉनिटर, सिर्फ स्क्रीन जहां पर हमें जो भी पिक्चर दिखते हैं या डाटा दिखता है या नंबर दिखते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। क्या कहते हैं? मॉनिटर, मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसका डेफिनेशन आपको पढ़ के बताती हूँ। अ मशीन दैट शोज इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स ऑन अ स्क्रीन लाइक अ टेलीविजन, अ स्क्रीन दैट शोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। ओके, जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमें, आप लोगों ने देखा होगा, आप टीवी देखते हैं ना, सभी बच्चे देखते हैं? हाँ, टीवी पर हम लोग जो भी पिक्चर्स देख सकते हैं, है ना, तो जो स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर। यस, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर। ओके, यस, बोलो मेरे पीछे पीछे, कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर। मॉनिटर मींस कंप्यूटर स्क्रीन, स्क्रीन, स्क्रीन। यस, मॉनिटर मींस कंप्यूटर स्क्रीन। यस, स्क्रीन पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन बोलेगा? क्या क्या देख सकते हैं? पिक्चर, पिक्चर, यस, और इंफॉर्मेशन। ओके, हाँ, गुड, वेरी गुड। नाउ इट्स अ सीपीयू, व्हाट इज दिस? सीपीयू, सीपीयू, यस, इट्स अ सीपीयू, सीपीयू, द सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म Central Processing Unit is the part of computer system that is commonly referred to as the brain of a computer. The computer is also known as the processor of microprocessor. ठीक है, आप इतना जान लो, जैसे इंसान के शरीर में दिमाग होता है, ब्रेन होता है ना, ब्रेन, दिमाग, तो हाँ वैसे ही कंप्यूटर का इसे ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को। मतलब सीपीयू के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ठीक है। हम कभी भी, जैसे हमें कुछ याद आता है तो हम लोग पुरानी चीजें याद भी कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर का जो ये दिमाग है, ये अगर आपने कभी कुछ दिनों पहले या साल पहले कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास मेमोरी भी होती है, मतलब याद करने की शक्ति भी होती है, तो ये कंप्यूटर की सबसे स्ट्रांग चीज है, ब्रेन में सीपीयू। तो बोलो कंप्यूटर सीपीयू, कंप्यूटर सीपीयू मींस कंप्यूटर ब्रेन, इज कंप्यूटर ब्रेन, यस, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज दिस, कोई बोलेगा? मैंने बोला था आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था क्या है, कीबोर्ड, गुड, यस, कीबोर्ड, यस, अ कीबोर्ड इज ऑन द प्राइमरी इनपुट डिवाइस that allows user to input text into a computer or any other electronic machine, ठीक है। देखिए ये computer, अगर हमें computer में कोई data डालना है या कुछ लिखना है या कुछ type करना है या Google पर से कुछ search करना है, तो हमें क्या search करना है, उसके लिए हमें लिखना तो पड़ेगा, बराबर है? Yes. और लिखने के लिए ये computer का ये keyboard use होता है, तो हम इस keyboard से टेक्स्ट टाइप करते हैं और फिर हमें कंप्यूटर का दिमाग क्या करता है, हाँ, इंफॉर्मेशन देता है और कंप्यूटर पर वो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है। ओके, यस मिस, यस, नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? माउस, 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 यस, वेरी गुड, इट इज माउस, माउस, मतलब, अच्छा माउस का कोई मीनिंग बताएगा क्या होता है, किसी को पता है माउस मींस व्हाट? मींस मुझे पता है, बोलो, चलाने वाला, चलाने वाला, माउस मींस चूहा, ठीक है। देखिए हम लोग चूहा बोलते हैं माउस, ओके, तो ये देखो इसका जो शेप है, इस माउस के डिवाइस का, इसका शेप भी कैसे होता है, चूहे के जैसे, देखो चूहा और उसको एक छोटी सी पूंछ होती है, वैसे इसे एक पूंछ होती है, इसलिए इसे माउस कहा गया है, बस और कुछ नहीं। देखिए इसके आगे, द माउस इज अ स्मॉल मूवेबल डिवाइस दैट लेट्स यू कंट्रोल अ रेंज ऑफ
things on a computer. Most type of mouse have two buttons and some will have a wheel on in between the buttons. ठीक है, देखिए ये जो माउस है ये कहीं पर भी हम इसे मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. माउस में टू बटन्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. आप मतलब आपने इंफॉर्मेशन टाइप कर दी कीबोर्ड से, ठीक है, फिर इसको आगे का ऑर्डर देने का काम माउस का होता है, या हमें अलग स्क्रीन निकालनी है, दूसरी स्क्रीन निकालनी है कंप्यूटर पे, तो माउस से फटाफट, क्योंकि यहाँ पे दो क्लिक होते हैं, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है. तो ये माउस क्या करता है, फटाफट मतलब इंफॉर्मेशन को फटाफट आगे निकालने के लिए हमें हमारी हेल्प करता है. ओके, यस. देन टैब, यस. कौन कौन जानता है टैब के बारे में? मैं बताती हूँ, ठीक है. अब इन शॉर्ट अगर आप हम देखेंगे तो इट्स अ टैब, इट्स अ वायरलेस कंप्यूटर, जहां पर हमें कंप्यूटर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है. कंप्यूटर को हम लोग हर जगह लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं. स्पीकर है उसका, मतलब मॉनिटर को संभाल के लेके जाओ, फिर उसका सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, तो ऑल थिंग्स हम लोग एक साथ कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं. तो टैब, ये जो टैब होता है, ये टैब मिनी कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर है. टैब का साइज आपका नोटबुक होता है ना, उतना बड़ा ही होता है. इसी इसके टैब के अंदर ही कीबोर्ड भी है, माउस भी है, इसका सीपीयू भी होता है, और इसका स्क्रीन भी छोटा होता है. ये मूवेबल होता है, वायरलेस होता है, हम इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं फोल्ड करके. ओके, अब इसका फंक्शन कैसे करता है काम, तो ये टच स्क्रीन होता है, मतलब आपको इसमें माउस की जरूरत नहीं है, इसकी स्क्रीन टच होती है. आप स्क्रीन टच करेंगे तो जो आपको लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो स्क्रीन टच करके आप लोग को मिल सकती है. द टैबलेट इज वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विथ अ टच स्क्रीन इंटरफेस. द टैबलेट इज टिपिकली स्मॉलर देन अ लैपटॉप, लैपटॉप से भी छोटा होता है, बट लार्जर देन अ स्मार्टफोन. ओके, अब इसका हम लोग टाइपिंग सिस्टम देखेंगे कैसे होता है, कि इसमें हम लोग कैसे टाइप करते हैं. तो ये देखिए, ये टैब है और ये टैब का कीबोर्ड है, टैबलेट का कीबोर्ड है, दिखाई दे रहा है कीबोर्ड. यस, तो हमें टैब, देखिए अभी कीबोर्ड हमने निकाल लिया, यस, ठीक है. हाँ, अब इसके ऊपर हमें टाइप करना है, तो कीबोर्ड निकाल लिया और टच से हम लोग इसके ऊपर टैब पर, टैब की स्क्रीन पर टाइप करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमें गूगल से चाहिए, क्रोम से चाहिए, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है. इसका, हाँ, इसका मेन थिंग आप देखिए, इसका जो इसकी जो स्क्रीन पर जो टाइपिंग के बटन्स है वो कितने हैं, देखिए, सिर्फ है ना. इसका कीबोर्ड जो है, टैब का कीबोर्ड है, वो कंप्यूटर के कीबोर्ड से एकदम अलग है. Not same नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा मतलब एकदम अलग है. कंप्यूटर का कीबोर्ड थोड़ा बड़ा होता है, वर्स्ट होता है, ओके, और ये छोटा. अब इसके बाद देखेंगे हम लोग मोबाइल. सब लोग जानते हैं मोबाइल? अच्छा, आप लोग, अब आप लोग तो मोबाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या होता है मोबाइल में, हम क्या क्या कर सकते हैं, बोलो. मोबाइल, हाँ, मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? वीडियो देख सकते, पिक्चर देख सकते, देख सकते, कार्टून देख सकते, वेरी गुड. और ऑनलाइन कर सकते, वेरी गुड, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते. ये सबसे फायदा हो गया अभी, है ना, सबसे अच्छा फायदा है मोबाइल का, है ना. पहले आपको टीचर्स बोलती थी, मम्मी पापा बोलते थे क्या, कि मोबाइल मत छुओ, मोबाइल मत लो, मोबाइल नहीं देखो, लेकिन आज अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमारा काम मोबाइल पर ही हो रहा है ना, बच्चों से लेकर तो टीचर्स सभी का काम मोबाइल के द्वारा ही चल रहा है, बराबर है. मोबाइल पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, किसी को फोन कर सकते हैं, बराबर है. टीचर को इन्फॉर्मेशन भेज, मैसेज भेज रही है आप लोगों को पढ़ाई के लिए,
वो मैसेज आप लोग इजीली देख सकते हैं, है ना। कोई पिक्चर्स अगर आपको भेज रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करके वो पिक्चर अपने पास सेव रख सकते हैं, है ना। मोबाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, फोटोज ले सकते हैं, कैमरा से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। वेरी गुड। और फोटोज भेज भी सकते हैं, सिर्फ ले नहीं सकते, भेज भी सकते हैं, बराबर है। फोटो हाँ, देख भी सकते हैं, फोटो देख भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फोटो खींच भी सकते हैं, भी सकते हैं, यस। और मोबाइल में बहुत सारे ऐप भी होते हैं, यस यस। और मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं जिन जो हमें पढ़ाई करने में मदद करते हैं। व्हाट्सएप आपको मदद कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, आप लोगों को गूगल हमको बहुत चीज बताता है। हाँ, गूगल 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 तो क्या है, वर्ल्ड डिक्शनरी। आप लोग कुछ भी गूगल से पूछ लो, गूगल फटाफट आपको बता देगा, है ना। अभी तो हमें टाइप ही नहीं करना होता है, अभी हम लोग माइक को क्लिक करेंगे और अपनी आवाज में बोलेंगे, गूगल हमें वो बता देता है, बराबर है। तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे, हाँ, तो ये सब हमें मोबाइल में इजीली। और सबसे बड़ी बात, हम मोबाइल को कहीं भी रख के लेके जा सकते हैं। मम्मी अपने पर्स में रखेगी, पापा अपने जेब में रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, बराबर है। मतलब मोबाइल को लेकर जाना लाने में कोई भी दिक्कत नहीं। यस, इन शॉर्ट मोबाइल इट्स अ छोटा सा कंप्यूटर, है ना। इसके अंदर देखो मेमोरी भी है, मतलब ब्रेन भी है, कंप्यूटर के जैसे ब्रेन भी है, है? Yes, है ना? हाँ, कंप्यूटर के अंदर जैसे हम लोग डाटा सेव करके रखते हैं बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, मोबाइल में भी हम लोग रख सकते हैं, बराबर है। Yes, yes. उसके बाद टाइप कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं, वैसे मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes. Yes, हाँ, yes. और इसकी स्क्रीन टच होने की वजह से हमें माउस की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो इन शॉर्ट कहेंगे हम लोग तो मोबाइल ये एकदम माइक्रो कंप्यूटर है। ओके, तो आप लोग कंप्यूटर चलाते, सोचिए इस एज में आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोबाइल कीबोर्ड। हाँ, मोबाइल कीपैड। देखिए मोबाइल में कैसे कीपैड है। यस, जब आपको अगर कुछ मैसेज टाइप करना होता है, आपको कोई भी मैसेज टाइप करना होता है, तो आपको ये कीबोर्ड या ये कीपैड आता है। आता है? यस मिस। हाँ, देखिए मोबाइल कीपैड वाइडली यूज फॉर डायलिंग नंबर्स एंड टेक्सटिंग मैसेजेस। It has also added features of emojis. हम लोग emojis के, emojis पता है ना आप लोगों को, emojis के help से हम लोग मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, ओके? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है। अभी आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है। मैं आपको लैपटॉप भी बताती हूँ। सब लोगों ने लैपटॉप देखा है क्या? Yes, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। भी लेके जा सकते हैं। हाँ, लैपटॉप को तो हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए लैपटॉप, ये देखिए लैपटॉप, दिखाई दे रहा है? यस, ये लैपटॉप का मॉनिटर है, ये लैपटॉप का मॉनिटर है। इसी के अंदर सीपीयू होता है, इसे हम कहीं भी इसलिए लेके जा सकते हैं क्योंकि लैपटॉप का जो ब्रेन है, जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर में थोड़ा हैंडल करना इजी नहीं होता है, यहाँ पर लैपटॉप में एकदम इजी होता है ना। और ये इसका कीबोर्ड, सॉरी माउस है, ये देखिए दो बटन है, 1 2, है ना, लेफ्ट राइट, ओके। ये इसका माउस है और इसी के अंदर इसका सीपीयू होता है, ये इसका स्क्रीन है, ठीक है। हम इसको हम फोल्ड करते हैं और कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इजीली हम इससे मूव कर सकते हैं, ठीक है।
अब मुझे बताइए एक थी एक चीज कि मोबाइल में टाइप करना किसे किसे आता है? इधर देख, मुझे नहीं। टाइपिंग मोबाइल मैसेजेस आता है मोबाइल में टाइप करना? मिस मुझे भी आता। वेरी गुड। तो आपको अपना नोटबुक और पेंसिल निकालो, मैं अभी आपको कुछ बोलने वाली हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो आपको लिखना है और वो टाइप करके अपने ग्रुप में भेजना है। मोबाइल पर आप वो मैसेज टाइप करेंगे और हमारे ग्रुप में। कौन सा? पहले आप बुक और नोटबुक और पेंसिल तो निकालो। मिस कौन सा सब्जेक्ट? मिस कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश ठीक है, आपको इंग्लिश में टाइप करके निकाला। यस यस मिस। जल्दी लिखा, पेंसिल भी लिखा। देखिए दिखाई दे रहा आपको ये सेंटेंस? yes, क्या लिखा है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग। मुझे लिखना है। यस, ये जो सेंटेंस है ना कॉमा इंटरमीडिएट कॉमा के अंदर दिखाई दे रहा है। जिस सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन किया है उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, अभी अपनी कॉपी में लिखना है फटाफट और उसके बाद अपने ग्रुप में इसे सेंड करना है। और बच्चे करेंगे, हाँ ट्राई करके देखेंगे और मम्मी पापा के ऑब्जर्वेशन में। मार खाई दे पीली कुदरी पे, दूर दूर मत ले, समझी क्या? इसको ना मार खींच के इधर है, वो पी नहीं है, इधर है। अरे इधर पागल हो गई है, क्यों क्या हुआ? छोटे बच्चे इतना दूर क्यों जा रही है? इधर O Q A U I I तुम बताओ ना मुझे। C के C I तो छोटे क्या हुआ? क्या है ये छोटा लिख लिया? उसके हाथ दिख रहा है इसमें? कैमरा नहीं चालू है, चालू है यार। आज इतनी देते मुझे दिख नहीं रहा है ना। मैं बोलू, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। इट इज योर होमवर्क। मिस हो गया। हो गया, वेरी गुड। सभी ने लिखा? मिस मेरा नहीं हुआ। लिखो राइट। एक सही लिखी हो ना? हाँ सही लिखी, पहले तो लिख जल्दी। ओ यू लिखी बिटी इधर लिख, अरे और उधर The quick brown fox
jump over a lazy dog. बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को. एल जेड छोटा सा जेड जेड वाई 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 उधर ही वाई. चलो हो गया. डॉग डी ओ टी डॉग. डन. मिस माय डन. सॉरी डी डन जी बोल डॉग मेरा हो गया. बच्चों ये आपके बुक में है ये सेंटेंस. वेट लिख लो. ये देखिए हाँ है आपके बुक में. यस पेज नंबर 8 पर ये सेंटेंस है. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग. ठीक है सेम सेंटेंस है. यस ये आपको देखकर अपने मोबाइल से मम्मी पापा के मौजूदगी में टाइप करना है और सभी बच्चे करेंगे. ठीक है. हाँ देखो यही है. हाँ पेज नंबर 8. ठीक है अभी हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. ठीक है. यस देखिए कंप्यूटर पढ़ा. कंप्यूटर का मॉनिटर कीबोर्ड सीपीयू और माउस. ओके आप लोग पहचान पाएंगे नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको ये पिक्चर्स बताएगा इमेजेस बताएगा. यस वेरी गुड. हाँ यस ये कंप्यूटर का मॉनिटर है इतना जान लो. इट इज कंप्यूटर सीपीयू. ओके फंक्शन लाइक ब्रेन. इट्स अ कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस. नाउ इट्स अ माउस. Now it's a mini computer, okay? We call tablet. It's a tablet keyboard, tablet keypad. It's a mobile, and it's a mobile keyboard, mobile keypad. Okay? आप सभी बच्चों को अगर अभी किस कोई भी आपको पूछेगा या मैं पूछूंगी या आप लोग एग्जाम में कंप्यूटर के बारे में उनके सारे जो भी है उसके सारे पार्ट्स कंप्यूटर के पार्ट्स वो लिख पाएंगे उनके बारे में कुछ बोल पाएंगे. यस मिस. वेरी गुड. ठीक ठीक है. तो हाउ वाज लेसन. हाउ वाज इन आप लोगों को कितना समझा कंप्यूटर. आई थिंक अच्छे से समझ गया होगा है ना. ओके आपने टेक्स्ट बुक का ये पेज नंबर 8 देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके यस यस आपको अपना होमवर्क समझ में आया. आपको होमवर्क टाइप करके भेजना है ग्रुप पर सभी बच्चों को. सभी बच्चे ग्रुप से लिंक्ड है ना. मिस व्हाट्सएप पे भेजने का है. हाँ अपने टीचर्स को भेजने का है. ओके मिस.
ओके यस बाय 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 मिस नमस्ते मिस थैंक यू मिस बाय